अस्सलाम वालेकुम शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पाकिस्तान के हाथों आलमी महाज पर बदतरीन शिकस्त का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने मोदी को उसकी औकात याद दिला दी। ऐसा इकदाम उठाया है जिससे भारतीयों के तन बदन में आग लगा दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें और नीचे कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलामी पेश करने के लिए नारे जरूर कॉमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत की कश्मीर के महाज पर पिसपाई जारी है। पाकिस्तानी बाखबर रही, भारत तिल मिला रहा है। मोदी सियासी पिसपाई का शिकार है। दोहरी इलेक्शन सबसे बड़ी गवाही है। मोदी की सबसे बड़ी बौखलाहट कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के हाथों आलमी सतह पर बदतरीन शिकस्त है। हर रोज एक नई रुसवाई मोदी का मुकद्दर बन चुकी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया है। दौरे नई दिल्ली से कबल अमेरिकी सदर ने भारत को तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरस्त से निकालकर दी जाने वाली खसूसी मराहत को खत्म कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शेड्यूल दौरे भारत में मोदी सरकार के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नई दिल्ली के दौरे से कबल ही भारत की ऐसी खसूसी तोहफे का ऐलान किया गया है जिसने बीजेपी की सरकार को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह तसव्वुर की जा रही है। अमेरिका ने भारत से तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक स्टेटस वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद भारत को दी जाने वाली खसूसी रियायतें खत्म कर दी गई हैं। भारत को अपनी मसनूआत अमेरिका में फरोख्त करने के लिए अमेरिकी मंडियों के लिए टैरिफ फ्री रसाई फराहम की गई थी जिसने भारत को सालाना अरबों डॉलर का फायदा हासिल हो रहा था। ताहम अब भारत से ये सहूलत भी वापस ले ली गई है। अमेरिका की तरफ से भारत के ताजरों को टैक्स छूट और दीगर सब्सिडी फराहम की जा रही थी जो अब बंद कर दी गई है। अमेरिका के इस फैसले से भारत को सालाना अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा बल्कि लाखों हिंदुस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिका के इस फैसले को भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया जा रहा है। इस अमेरिकी फैसले के बाद दुनिया के दीगर ममालिक भारत के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दी जाने वाली खसूसी सहूलियात वापिस ले सकते हैं। अमेरिका के फैसले के बाद से भारत में एक भूंचाल सा आया हुआ है। भारतीय पोजीशन जमातों ताजिर बरादरी की खूब चीखें निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर मोदी मजीद वक्त के लिए इक्तदार पर काबिज रहा तो भारत की माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, जबकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां पहले ही भारत की माशियत को तबाही के दिहाने पर लान खड़ी की है। आप नरेंद्र मोदी की मजीद रुसवाई के लिए तैयार हो जाएं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कश्मीर के हक में पाकिस्तान की हमायत कर चुके हैं। अक्वामे मुतहदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान में अपने दौरों के दौरान कहा था कि पाकिस्तान और भारत LOC वर्किंग बाउंड्री पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। फौजी मुबसिर ग्रुप पर दोनों अतराफ से इसकी इब्तदा होनी चाहिए। मसला कश्मीर के लिए अक्वामे मुतहदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी हो गया है। इस्लामोफोबिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारतकारी और मुजाकराती मसाइल का वाहिद हल है। वजीर खारजा से मुलाकात में जनूबी एशिया में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत LOC वर्किंग बाउंड्री पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। लेकिन दोस्तों भारत की जानिब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले पर सालसी की पेशकश को भारत ने
मुस्तरद कर दिया है। भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान रवेश कुमार का कहना है कि अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और ताकत के जोर पर कब्जे किए गए इलाकों पर होनी चाहिए। भारत की तरफ से ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस चार दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के सूरत हाल पर उन्हें तशवीश है, मुल्क के रजामंद हो जाएं तो वह मदद के लिए तैयार हैं। इससे कबल तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की थी। बयान इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखला से ताबीर करते हुए भारत ने तुर्की के सदर के बयान को नाकाबले कबूल करार दिया था। तुर्की के सदर ने जुम्मे को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान से तुर्की की कुर्बत का इजहार करते हुए कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौकफ की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था। इंडिया ने सदर उर्दवान के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए दिल्ली में तुर्की के सफीर से इस बयान पर अपनी सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया था। वजारत खारजा के तर्जुमान रवेश कुमार ने एक बयान में कहा था कि सदर उर्दवान का बयान ना तारीख के फहम का आगाज है ना ये सफारती जाब्तों के दायरे में आता है। मजीद यह कि कश्मीर से मुतल्लिक इनके बयान ने माजी के हकाइक को मसख करके मुस्तकबिल के तंग नजरिया की तरफ तवज्जो दी गई है। रवेश कुमार ने सदर उर्दवान के बयान को मुकम्मल तौर पर नाकाबले कबूल करार देते हुए कहा था कि उनका यह बयान दूसरे ममालिक में मुदाखलत के सिलसिले की एक कड़ी है। हम खास तौर पर सरहद पार से पाकिस्तान के जरिए की जाने वाली दहशतगर्दी को जायज कराने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। याद रहे कि भारत की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत खत्म किए जाने के बाद से वहां पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिस पर मुख्तलिफ मालिक ने इसका इजहार भी किया है कि भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अपने आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे को अंदरूनी मामला करार देती हैं। यूं देख रहे हैं तो गुज़िश्ता आखिरी साल से कश्मीर की आज़ादी में कई मोड़ आते रहे हैं। ताहम इस साल सिर्फ 5 फरवरी के दिन की अहमियत में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में ज्यादा थी, क्योंकि इस मरतबा यह दिन 5 अगस्त 2019 के मोदी हुकूमत के जारहाना इकदाम के आयन 6 माह बाद मनाया जा रहा था। 5 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के तकसीम करके रियासत का दर्जा खत्म करके उसे सीधा नई दिल्ली की एक इकाई बनाकर रख दिया गया। इस इकदाम पर 6 माह गुजर चुके हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, मोदी सरकार के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी जमातें भी इस मामले पर कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। भारत के अंदर से भी इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ सूरतों में रद्द अमल सामने आ रहा है। जहां तक भारत के मीडिया का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा कारपोरेट तबके का मरहून मिन्नत है और मोदी की सियासत भी इस कारपोरेट तबके की तफैली है। इसलिए भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा मोदी की हिमायत कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का एक छोटा हिस्सा ऐसा भी है जो मोदी सरकार की कश्मीर समेत दूसरी पॉलिसियों को भारतीय जमहूरियत सेकुलरिज्म और आइन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे रही हैं। रमेश कुमार, अरुंधति राय जैसे सहाफी वाजे तौर पर मोदी सरकार की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके कश्मीर के साथ नाम निहाद इलाहाब के मायदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जमानत दी थी। पाकिस्तान में यह बहस हो रही है कि पाकिस्तान में तो कभी आर्टिकल 370 के जरिए भारत के साथ जम्मू कश्मीर के नाम निहाद इलाहाब को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान तो ये मौकफ रहा है कि जम्मू कश्मीर के मसले को 1948 में करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। शिमला मुआहदे के तहत आर्टिकल 70 को
भारत का दाखिली मामला करार दिया जा सकता है। जुलाई 1972 में पाकिस्तान और भारत के मबैन होने वाले शिमला माहदे के मतन के नुक्ता नंबर 2 में वाजे तौर पर लिखा गया है कि मसाइल के हल तक दोनों में से कोई भी फरीक मौजूदा सूरत हाल से अपनी तौर पर तब्दील नहीं करेगा, लेकिन हुकूमत हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर में अपने तौर पर बड़ी तब्दीली लाकर शिमला माहदे की शदीद खिलाफ वर्जी की है। इसको बुनियाद बनाकर भारत जम्मू कश्मीर में अक्वामे मुत्तहदा या तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से इनकार ही रहा है। मसले कश्मीर पर जहां पाकिस्तान के पास ऑप्शन का ताल्लुक है, तो इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आलमी अमूर के मामलात में 100 से ज्यादा अहमियत माशी मफादात की होती है। कश्मीर के मामले पर अमेरिका, यूरोप के अरब ममालिक भी खुलकर भारत के खिलाफ सामने नहीं आ रहे थे। ताहम तुर्की और मलेशिया ने खुलकर इस मामले पर मोदी की मजम्मत की है। अक्सर ममालिक इस मसले पर भारत के साथ अपने माशी स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने देंगे। ताहम भारतीय हुकूमत को इस इकदाम को एक मौका तसव्वुर करते हुए दुश्मन को ज्यादा मौसर अंदाज में सामने लाया जा सकता है। हमारे पास सबसे ज्यादा अहम बात तो ये होनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने और इसके मरकज के तौर पर दर्जा देने से यह साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर भारत के लिए सही मायनों में दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि भारत की कई रियासतों में अलहदगी पसंदों की तहरीकें चल रही हैं और इन इलाकों और रियासतों में ऐसी तरीकों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय एक्ट की इसको शामिल किया गया है। जैसे नागालैंड में आर्टिकल 371A, आर्टिकल 370 और मणिपुर में आर्टिकल 371C, सुखम में आर्टिकल 370F और दीगर में ये तंजीमें नाफिस की गई हैं। भारतीय हुकूमत को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ इसकी रियासती हैसियत भी खो चुका है। उन्होंने इस तरह का एतराफ करके कश्मीर में भारत के लिए सूरत हाल इस हद तक काबू से बाहर हो चुकी है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए इसे 2000 का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भारत को अकेला कर दिया है और अब भारतीय हुकूमत बोखलाहट में कभी जंग की धमकियां देते हैं तो कभी ऊट पटांग हरकतें करते हैं, जिससे भारत के लिए मजीद मुश्किलें बढ़ रही हैं और दोनों स्टाफ के फैसले के बाद भारतीय माशियत तबाही की जानिब गामजन है।